कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले राहुल गांधी ने इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़े पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने स्वच्छ शहर की तारीफ करते हुए शहरवासियों और सफाई कर्मियों को धन्यवाद दिया। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले हैं। मध्य प्रदेश में रविवार को यात्रा का पांचवा दिन था। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर में 8 घंटे पैदल चला हूँ और कहीं पर भी मुझे कचरा दिखाई नहीं दिया। मैं इसके लिए इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई नोटबंदी व GST को लेकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि GST से छोटे व्यापारियों और गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ, देश के कुछ बिजनेसमैन को इसका फायदा दिया है। इनको ये देखो, ये मुस्कुरा रहे हैं। इनको बताया जाता है कि भैया देखो,
जैसे आप रात को आप सोचते हो भैया टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे, पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, पांचवे पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी। जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी, कभी मोदी जी, कभी ऐश्वर्य राय, कभी अजय देवगन, मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन में नहीं दिखने वाले। मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। और यहां पे इंदौर में जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, और वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उनकी बात कोई नहीं उठाता। कुछ दिन पहले मेरे पास डेलीगेशन आया, मैंने उनसे पूछा, और यहां पे जो भी है छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, अबे कौन है भाई, वो बिल्कुल एक सेकंड में समझ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, डेलीगेशन से पूछा, भैया बताओ हिंदुस्तान के इतिहास में आपके खिलाफ सबसे खराब काम कौन सा था। बिना सोचे एक सेकंड में, पहले नंबर नोटबंदी, दूसरे नंबर जीएसटी। मैंने फिर उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, छोटे दुकानदार का फायदा नहीं हुआ, युवाओं का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? एक सेकंड नहीं लगा, सबको मालूम है, पर दो तीन लोगों को फायदा हुआ है, वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है। बता दें कि अब राहुल गांधी की यात्रा बड़ा गणपति से उज्जैन के लिए रवाना हो गई है। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।